अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और कतई बोरियत हो रही है क्योंकि बाहर बहुत बारिश है और ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। पानी भरा हुआ है। असर हो गई है। 5 बजे 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। ठीक है, तो बोरियत से तप कर अब मैंने सोचा है कि मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्योंकि बाल आपको पहले होता है बहुत बड़ा गए, शेप भी बड़ा गई, तो बाल कटवाने जा रहा हूँ और देखते हैं कि कोई मिल जाता है बाहर तो उससे भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि बोरियत बहुत हो रही है। वरना हम नानी के यहाँ जाते हैं या ताया के यहाँ जाते हैं या दोस्तों के यहाँ, लेकिन कहीं भी नहीं गए हैं क्योंकि बारिश की वजह से पानी बहुत हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं। नेबर ऑयल फोर्ट की गोलियाँ और हरे धनिए की गड्डी ले लेना बस, और कुछ और अंडे और रोटी और नेबर ऑयल फोर्ट की गोली और हरे धनिया मिलाना पड़ेगा, भी लेना हरे धनिए की और हरे धनिया। ओके, तो सौदा भी लेना है और बाल भी कटवाने हैं। सौदे की आवाज़ आ गई है, आपको क्या क्या लेना है। तो बस अभी निकलते हैं बाल कटवाने के लिए और देखते हैं कि कौन सी दुकान करी। अगर यामिन भाई को लेंगे तो यामिन भाई, ना कहीं और आते हैं, कुछ देखते हैं किसी व्लॉग में करेंगे या फिर किसी और व्लॉग में करेंगे। बकरीद के मुतालिक कोई बातें जो कल मेरे एक दो लड़कों से भी हो रही थी डिस्कस, लेकिन कुछ बातें हैं जो बतानी है, क्लियर करनी है, तो चलते हैं बाल कटवाने। ठीक है, और बाहर का भी दिखाता हूँ अभी क्या हाल हुआ है बाहर। ठीक है, नीचे का दिखाता हूँ क्या हाल है। अभी बादल तो साफ हुए हैं माशाल्लाह से, बारिश बहुत हुई है कल रात। ये हाल है नीचे का, जिसकी वजह से ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। ये पूरा तालाब बना हुआ है, तो मैं भी देखता हूँ कि कहाँ से निकलता हूँ, बस निकल रहा हूँ। पूरा भरा हुआ है पानी हमारी गली में। चलो, बादल तो साफ हुए लेकिन अभी भी बारिश का काया हुआ है, निकलते हैं। ठीक है, हाल है भाई बाहर का, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं पानी के यहाँ। पानी में पानी और हसन भाई के पास आया हूँ। भाई ये बाल काट रहे हैं, भी फ्री होके बाल कटवा के मिलता हूँ। ठीक है, और ये हाल है रोड का हमारे, जो है बाल कटवा रहे हैं तो लाइट चली गई है। मैं करता हूँ। ऐसी बोरियत हो रही है इस ईद पर ना, कसम से क्या बताएं। दो घर आ गए हैं, बाल कटवा लिए मैंने। यार सुकून मिला है कसम से, यार बाल कटवा के सुकून मिल गया। अब क्या करें आज। नाच तो सकते नहीं हम। तो अभी हमने ये सोचा है कि अभी लाइट आई है ना, तो नेट चलता है, नोटिफिकेशन आ जा रही है, तो अभी हम पीसी खोल लें और देखते हैं कि काउंटर स्ट्राइक है कि कुछ और है, वो लगाएंगे और वो खेलेंगे। लेकिन पहले लग रही है भूख, क्योंकि दोपहर में खाना खाया नहीं था, नाश्ता किया हुआ है, और कसम से आज जो बोरियत हो रही है ना, वो हद लेवल हो रही है बोरियत ना। मेरी बाइक भी सेंटर में खड़ी हुई है वहाँ पर, क्योंकि पानी नहीं जमा होता तो वहाँ पर खड़ी कर दी थी। तो गलियों में भी देखा है आपने कितना पानी भरा हुआ है रोडों पे, तो गलियों में तो इससे भरा नहीं। तो देखते हैं अभी खाना खा लें, उसके बाद फिर पीसी खोलते हैं और काउंटर स्ट्राइक। ठीक है, थोड़ी देर में खाना खा के मिलते हैं। क्या बना रही हैं आप? ये क्या कौन सा झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल रही है। अम्मी ने बनाए हैं ये, इसने नहीं बनाए। और ये अरे गिर गया, स्पाइसी लगा रहा है, स्पाइसी। वहाँ तलने हैं कबाब, यहाँ स्पाइसी हो रहा है। ओके, ना मिर्चे हैं, लग रहा था मिर्चों, लेकिन मिर्चे हैं नहीं। दे दो यार थोड़ा सा। और नमक उमक कौन से कबाब हैं?
शामिल तो नहीं लग रहे वो बंदे, हमारे चार बंदे रह गए लव लग रहे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे वो रहा बंदा वो रहा, और बहुत आला भाई डायरेक्ट मुंह पे दिया हेडशॉट। बहुत टाइम हो गया यार खेले डायरेक्ट खेले। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो आओ। अरे अच्छा बमी ही पड़ा हुआ है, ये एक मिनट होल्ड दिस पोजीशन भैया, होल्ड दिस पोजीशन, होल्ड दिस पोजीशन, हम यही बैठ जाते हैं, बम यहीं पड़ा हुआ है सामने, ये पड़ा हुआ। अब बंदा देखना किधर है। अबे भाई इधर आ जाओ। ओ ओए मेरी हेल्थ ही तकरीबन नौ थी। हाँ हाँ मैंने शायद एक ही बंदा मारा। साढ़े दस आने को आए हैं, थक गए हम, बोरियत बोरियत बोरियत, आज पूरा व्लॉग बोरियत में बना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तीसरा दिन है ईद का, आप लोगों को ईद मुबारक। और कल कुछ नया लेकर आएंगे इंशाल्लाह, व्लॉग में बनाता रहूँगा चाहे बोरियत वाला हो चाहे अच्छा, और आप लोग देखोगे। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।